हेलो एंड वेलकम बैक एवरी वन टू ऋतु अकेडमी स्वागत है आप सभी का तो आज हम बात करने वाले हैं आ, कल हमने पढ़ा था ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बेसिक्स क्या हैं नीड क्या है और उसके फंक्शंस क्या होते हैं आज हम पढ़ेंगे कि टाइप्स क्या होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के सबसे पहला टाइप जो होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एक बार क्विक रिविजन कर लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है एज एन इंटरफेस दैट दटेक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड हार्डवेयर हार्डवेयर और यूजर के बीच में uh, कौन फंक्शन करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे पहले आपका आता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम रियल टाइम जैसे नेम ही सजेस्ट कर रहा है जो करंट वर्किंग टाइम में जो काम करता है वो आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका एक एग्जांपल हो सकता है जैसे कि ऑटो पायलट मैकेनिज्म एयरक्राफ्ट में यूज़ किया जाता है ठीक है उसका एक एग्जांपल हो सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम ये रियल टाइम वाला जो है वो मशीनरी को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है कुछ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए या इंडस्ट्रियल सिस्टम को यूज़ करने के लिए आ, हम क्या करते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं इसमें दो टाइप्स ऑफ टू टाइप्स होते हैं रियल टाइम के एक होता है आपका हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एक होता है सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आपका कौन सा होता है जिसमें आपको एब्सोल्यूटली ये गारंटी करता है कि मैक्सिमम टाइम जो है एक टास्क को कंप्लीट करने का वो गारंटी करता है कि इतने टाइम में आपका टास्क कंप्लीट हो जाएगा और सॉफ्ट क्या होता है जो मैक्सिमम टाइम टू कंप्लीट और टू एग्जीक्यूट प्रोग्राम और प्रोसेस वो आपका नहीं बता पाएगा वो आपका क्या होता है सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम उसके बाद सेकंड आपका क्या आता है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम इसका भी नाम से पता चलता है जिसके यूज़र्स जो हैं वो मल्टीपल होंगे वो आपका क्या होगा मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम ये क्या करता है बहुत सारे यूज़र्स को एक साथ अलाउ करता है आ, किसी कंप्यूटर के रिसोर्स को यूज़ करने के लिए इसका एग्ज़ाम्पल क्या हो सकता है आपका यूनिक्स वी एम एक्स ये सारे इसके क्या हैं एग्ज़ाम्पल हैं इसी तरह से अगर रियल टाइम की बात करें तो रियल टाइम का आपका एग्ज़ाम्पल क्या होगा इसके होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम आपका आता है विंडोज सी और आपका आर टी और ट्रॉन और लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ये सारे क्या हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या होते हैं आपके एग्जाम्पल होते हैं उसके बाद आ गया था हमारा मल्टी यूजर मल्टी यूजर के एग्जाम्पल होंगे आपके यूनिक्स और वी फिर आता है आपका सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम इसका भी नेम ही आपको सजेस्ट कर रहा है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब जिस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करने के लिए यूजर जो है वो सिंगल है मतलब सारे कंप्यूटर का रिसोर्सेज सिर्फ एक सिंगल यूजर ही यूज करेगा ये मेनली जो आपके होम कंप्यूटर्स होते हैं वो होते हैं आपके सिंगल यूजर ठीक है तो इसका एग्जाम्पल जो विंडोज हम यूज करते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में विंडोज 2000 विंडोज 95 फाइव या ये सब किसके एग्जांपल हो जाते हैं आपके विंडोज 10 ये सारे एग्जांपल हैं आपके सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के अब नेक्स्ट हमारा आता है सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल टास्किंग मतलब अब टास्क जो है हमारा सिंगल है जब एक ही प्रोग्राम एक टाइम पे सिर्फ सिंगल प्रोग्राम जो है वो अलाउ किया जाए किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में एग्जीक्यूट होने के लिए रिसोर्स को यूज़ करने के लिए वो क्या होता है आपका सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम तो जो पाम ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या होता है इसका इसका एग्जाम्पल क्या है पाम ऑपरेटिंग सिस्टम वो सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है अब सिंगल टास्किंग के बाद क्या आएगा मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है आप जो मल्टीपल टास्क एक साथ परफॉर्म करने दें किसी कंप्यूटर सिस्टम में इसका एडवांटेज क्या होता है कि कंप्यूटर के रिसोर्सेज जो हैं वो बहुत एफिशिएंटली यूज़ हो जाते हैं मल्टी टास्किंग मतलब वो एक बार में बहुत सारे टास्क करना नहीं होता बल्कि एप्लीकेशन के बीच में कंप्यूटर सिस्टम इतना जल्दी स्विच करता है एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम या प्रोसेस पे कि कंप्यूटर का एक भी रिसोर्स जो है वो वेस्ट नहीं होता और टाइम जो है उसका बहुत कम लगता है मल्टी uh, में दो तरह के आते हैं आपके प्रीएम मल्टी और कोपरेटिव मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम प्री एम्पटिव क्या होता है कि टास्क uh, कंप्लीट होने से पहले ही प्रोसेस को से रिसोर्सेस ले लिए और किसको दे दिए सेकेंड प्रोसेस को फिर थर्ड प्रोसेस को इस तरह से दोबारा फिर फर्स्ट प्रोसेस को फिर सेकेंड प्रोसेस को फिर थर्ड प्रोसेस को ऐसे कि पूरा टास्क एक बार में कंप्लीट नहीं करवाया आपका प्रीएम्प्ट कर लिया कॉपरेटिव तो में क्या होता है आपका एक टाइम स्लॉट दे दिया सारे रिसोर्सेज जब तक एक प्रोसेस यूज करना चाहेगा उसको सारे रिसोर्सेज अलोकेट करा दिए और वो अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के बाद क्या करेगा ही उन सारे रिसोर्स को रिलीज करेगा और फिर वो सेकेंड प्रोसेस के पास जाएंगे ठीक है अब इसके एग्जाम्पल क्या होंगे आपके मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एम एस विंडोज ये सारे क्या होते हैं आपके मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हैं फिर आता है आपका टाइम शेयरिंग टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ये आपका कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो यूजर को अलाउ करे कि वो कंप्यूटर के रिसोर्सेज को साइमल्टेनियसली शेयर करें यूज कर सकें तो टाइम शेयरिंग क्या होता है uh, कि कंप्यूटर के रिसोर्सेज एलोकेट करा दिए और उनको एक टाइम स्लॉट भी एलोकेट करा दिया टाइम स्लॉट हर एक प्रोसेस को एलोकेट करा देंगे कि इतने टाइम के लिए जैसे फाइव सेकंड के लिए पी के पास रहेगा फिर पी के पास टेन सेकेंड्स के लिए रहेगा मतलब सबको ये टाइम स्लॉट एलोकेट करा दिया उतने ही टाइम पीरियड के लिए उसको क्या करते हैं रिसोर्सेज मिल जाते हैं और जो एक स्मॉल यूनिट ऑफ टाइम होता है स्मॉल यूनिट ऑफ टाइम जो है आपका उसको क्या कहते हैं जो किसी यूजर को एलोकेट किया जाता है वो होता है आपका टाइम स्लाइस ठीक है उसके बाद हमारा आता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है ये इसका मतलब क्या है डाटा जो है स्टोर किया जाएगा और प्रोसेस किया जाएगा कहाँ मल्टीपल लोकेशंस पे तो मल्टीपल लोकेशंस पे आपका स्टोर किया जाएगा